6 बड़े आलू जिन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं इन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इस पर डालूँगी 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, आधा चम्मच लहसुन, आधा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 5 से 6 पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1/4 चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर काली मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार और 3 चम्मच नींबू का रस, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लूंगी, या आप घी भी लगा सकते हैं। इस मिक्सचर में से मैं थोड़ा सा ले लूंगी और इसको कटलेट का शेप दे दूंगी और सारे इसी तरीके से रेडी कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा बाउल ले लूंगी जिसमें डालूंगी मैं 4 से 5 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसका एक लिक्विड मिक्सचर रेडी कर लूंगी। ये अच्छे से रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी लिया है। अब मैं कटलेट को इस लिक्विड मिक्सचर में एक बार अच्छे से डिप कर लूंगी और ब्रेड क्रम्प में इसे अच्छे से एक बार कोट कर लूंगी और इसे गर्म तेल में पका लूंगी। इसे लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। और ये आलू कटलेट बनकर रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी सारे आलू कटलेट बनाकर रेडी कर लूंगी। आप इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ या तो चाट के साथ। मैंने इसका एक छोटा सा बर्गर बनाया है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और बेल बटन पे भी, ताकि आगे मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अनु मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।